ये क्या सीन है, कर क्या रहे हो भाई? सब लोग इधर रास्ते पे खड़े, ऊपर पुलिस बैठा है, इंस्पेक्टर सब अकेले बैठे, यार फोटो निकालना चाहिए इसका। अरे तू कुतरा है, सुनता ना बुद्धि बड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, अगर आप इस वीडियो का टाइटल देख के आए हैं तो यस, दैट इज ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट राइड विथ रेड बुल। सो पहले राइड को एंजॉय करना है अपने को। छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड पे निकले हैं करजत से, माथेरान साइड में कहीं पे घूम के आएंगे आज। टुडे इज संडे 9th of July 2023। थोड़ा बहुत इमोशनल तो हूँ बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो आएंगे धीरे धीरे, सारी डिटेल्स पे आएंगे। चलो चले एक छोटी सी राइड पर माथेरान के घाट सेक्शंस में फिर एक बार। राइडिंग टू माथेरान इज नथिंग न्यू, लेकिन आज इस बाइक पे आखिरी बार। वैसे संडे है तो काफी भीड़ होने के भी चांसेस है वाटरफॉल पे, तो अपने को कहीं रुकना विकना तो है नहीं, वो जस्ट जाके ट्विस्ट एंड टर्न्स का मज़ा लेंगे, ऊपर तक जाएंगे, क्लाउड्स वगैरह होंगे तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लैप्स वगैरह दिखाएंगे क्लाउड्स का और वापस आ जाएंगे। कल रात को ही मैंने टैंक फुल किया था, सो पेट्रोल की अभी टेंशन नहीं है अपने को। जब से ये बाइक ली है ना, मैंने ये आदत मेंटेन रखी है कि इसमें हमेशा पावर पेट्रोल ही गया है, पावर या स्पीड या फिर शेल का पेट्रोल। अपने को लेना है यहाँ से राइट, लेकिन यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो चलो चलो, 10:30 वाजलेले आहेत, लेट्स गो, नहीं तो ब्रेकफास्ट राइड की लंच राइड हो जाएगी। ये देखो इसका माइक देखो, ऊपर आ रहा है हेलमेट से। चलो अपना राइड तो यहाँ से सिर्फ, हाँ बाबा तू वाजवून गया अभी, 20 किलोमीटर का है बिकॉज माथेरान इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर वापस आना है, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। संडे मॉनसून राइड करके जितने लोग आए हैं करजत, देख लो कैसे मस्त धूप खिली है, बारिश भी ना मज़ा लेती है लोगों के। पिछले 3 वीकेंड से मैं देख रहा हूँ, सैटरडे संडे एकदम शांत, बाकी 5 दिन हैवॉक। आला बाबा थोड़ा थोड़ा तरी पाउस आला, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है बारिश आई है उसकी खुशी मनाऊ या गम, क्योंकि बारिश आएगी तो मॉनसून राइड सफल हो जाएगी, लेकिन बारिश आएगी तो ये अपने साहबजादे SJ6 लीजेंड इज नॉट अ लीजेंड, बारिश से डरते हैं ये साहब, तो बंद करके रख देना पड़ेगा अंदर, मोटो ब्लॉक कैसे बनेगा, सुन ली भगवान ने मेरी, डायरेक्ट सूर्य एक नंबर। अरे तू कुतरा है, सुनता ना बुद्धि बड़ा, कुटा सा तिरका तिरका तिरका। ये तो ये आया नेरल का जंक्शन, माथेरान वाला टर्न, यहाँ से 6-7 किलोमीटर का भी घाट है। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे पुलिस वगैरह तो है ही, बिकॉज ऊपर एक वाटरफॉल है एंड दैट वाटरफॉल इज अ पार्ट ऑफ द लिस्ट जिसको मॉनसून में बैन किया जाता है, लेकिन वो बैंड वाटरफॉल आज कितना भरा हुआ होगा मैं दिखाऊंगा आपको। शुरू शुरू में जब मैं बाइक चलाना सीखा था ना, उस टाइम पे मेरी CT 100 बाइक थी, 100cc बजाज की, वो बाइक लेके आते थे हम इधर। आई स्टिल रिमेम्बर कि उस टाइम पे वो बाइक लेके ये घाट चढ़ना और आज 500cc ट्विन सिलेंडर लेके चढ़ना,
एफर्ट्स में जो डिफरेंस है ना, मतलब वो भाई फर्स्ट सेकंड पे चढ़ती थी, और मैं भी एक्सपीरियंस नहीं था उतना, सीजन राइडर नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी होती थी, टर्न्स वगैरह में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। और आज ऐसा है कि माथेरान जाना है, उसमें क्या बड़ी बात है, चलो कभी भी निकलते हैं, दिन हो रात हो बारिश हो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2005 में मेरा, नहीं गलत बोल रहा हूँ, 2006 में ड्राइविंग लाइसेंस आया, लेकिन 2005 से मैं यहाँ आता था। यहाँ तक का जो चढ़ान है ना यहाँ तक की, वो फिर भी आसान है, मतलब नॉट एनी बडी बट मोस्ट पीपल कैन डू इट। लेकिन माथेरान का जो असली घाट है, जो असली जिससे लोग डरते हैं, वो यहाँ से आगे शुरू होता है। और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ये पहली चढ़ान में ही आ जाता है, लुक एट दिस स्टीप एंड देन मोर देन 90 डिग्री कर्व, लुक एट दैट। और उसमें रास्ता भी खराब, एंड इट कंटिन्यूज। मैंने मोटो व्लॉगिंग के हेलमेट माइक्रोफोन वगैरह के सेटअप के बारे में एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो यू कैन वॉच इट ओवर हियर, लिंक दे रहा हूँ। वो वीडियो मैंने यहाँ पे शूट किया था, यहाँ पे अंदर लेके गया था बाइक रेलवे ट्रैक के साइड में से, और वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं ना, वो देखो बाइक खड़ी है, वहाँ पे जाके मैंने वो वीडियो शूट किया था। एंड हियर इट कम्स, ये है माथेरान का वही वाटरफॉल जो बैंड है, नो एंट्री है यहाँ पे, सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, लुक एट दिस सेक्शन 144, ओ तेरी एक नंबर। सब लोग इधर रास्ते पे खड़े, ऊपर पुलिस बैठा है, इंस्पेक्टर सब अकेले बैठे, यार फोटो निकालना चाहिए इसका। दैट इज लाइक वो सिग्मा मेल सॉर्ट ऑफ मोमेंट। क्या भारी बैठा है वो जाके, इधर नहीं बैठा है, दिस इज द बिगर वन, अच्छा इधर है सामने, गुड चलो एटलीस्ट ये तो रखा है कि वाटरफॉल में एंट्री नहीं दे रहे हैं। बाय द वे दिस वन, अभी जो हम चढ़ रहे हैं ना, ये इस रूट की सबसे बड़ी चढ़ान है, मतलब व्हीकल्स का ना बहुत बार एंड्यूरेंस खत्म हो जाता है इस पे, चढ़ान खत्म ही नहीं होती, स्टीप तो है ही, टर्न्स भी है, एंड इट गोज ऑन। सी कोई तो अटक गया, और एक जन अटक गया तो बाकी सबको लेके डूबेगा। ये क्या सीन है, कर क्या रहे हो भाई, क्या स्मेल आ रही है, किसी का ब्रेक गर्म हो रहा है, किसी का क्लच गर्म हो रहा है। ऑल राइट, यहां तक ये चढ़न कंटिन्यूस है, जहां से वो वाटरफॉल था ना वहां से, और यहाँ पे राइट में आता है अपना माथेरान रेलवे लाइन का सेकंड स्टेशन वाटर पाइप, और यहाँ से तुरंत शुरू होती है आखिरी चढ़ान, तीसरी चढ़ान, बस मेन घाट में तीन चढ़ान है सिर्फ। ये है पेब विकटगढ़ ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से रेलवे ट्रैक में से चल के जाना होता है, गया हूँ बहुत बार, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर, इसका वीडियो नहीं है अपने चैनल पे,
जाना पड़ेगा फिर से वीडियो के लिए। अपने घर से नज़दीक इतना अच्छा ट्रैकिंग स्पॉट है और इसका व्लॉग नहीं है चैनल पे अपने, करेंगे फिर एक बार ये ट्रैक करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट एसेंड और ये चढ़ने के बाद दस्तूरी पहुंच जाते हैं हम। देखो एंड तक जाना नहीं है, एक टर्न पहले रुकेंगे और वहीं से आपको मैं वैली का व्यू दिखाऊंगा। बट एज वी आर नियरिंग द टॉप सी क्लाउड्स एकदम नज़दीक आ गए। सो यहाँ से दो टर्न्स लेके ऊपर दस्तूरी का पार्किंग है, बट आई थिंक यहीं से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सो यहीं से हम यू टर्न लेके थोड़ा पीछे जाके रुकेंगे, वो जस्ट वन टर्न अहेड। सी सब लोग वही बोल रहे हैं, जगह नहीं है ऊपर, तो बेटर इज दैट वी गो बैक। पीछे जहाँ से वैली एकदम क्लियर दिखती है वहाँ पे रुकेंगे। वैसे भी अपने को पार्किंग में तो जाना नहीं है, तो क्यों ट्रैफिक में फंस के ऊपर जाना है। वहाँ टॉप पे यू टर्न लेने के बाद जो बारिश शुरू हुई थी वो डायरेक्टली अभी यहाँ आके रुकी है। ये मैंने जाते वक्त आपको दिखाया था, लेफ्ट साइड में रोड के पूरी ऐसे घनी झाड़ियाँ है। लेकिन बीच में हम लोग रुके थे, टाइम लैप्स भी लिया। एक्चुअली टाइम लैप्स लेने तक बारिश नहीं थी, टाइम लैप्स के बाद बारिश आई। फिर उसके बाद वाटरफॉल के पास रुके, वहाँ पे फ़ोटोज़ लिए एंड देन वी केम हियर। यहाँ पे बाइक का फ़ोटो लेना था, एक अच्छा सा फ़ोटो, वन ऑफ द लास्ट मेमोरीज टू मेक विद दिस बाइक। रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे अभी, बहुत दूर जाना है अपने को, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स। सो अभी रिटर्न जाते हैं, घर पहुँचते हैं और अभी मैं मोटो ब्लॉग बंद कर देता हूँ यहाँ से एंड आई विल कैच यू डायरेक्टली बैक एट होम।